आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी पैदल यात्रा निकाले हुए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोपहर 12 बजे से लखनऊ में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। बता दें कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बेगम हजरत महल पार्क से LIC ऑफिस तक ये मार्च निकाला जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मौके पर विवांशु मौजूद हैं। विवांशु, राजधानी लखनऊ में आज अडानी समूह के खिलाफ मौके पर आप मौजूद हैं क्या? कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अडानी समूह के खिलाफ जी मैं आपको सुन पा रहा हूं नंदनी, और आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन है। बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आप देख सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में दस्ती लेकर और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं अडानी ग्रुप के खिलाफ, जो अडानी ग्रुप है हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो SBI और साथ ही साथ LIC के अंदर में शेयर के हिस्सेदारी को लेकर ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। और साफ तौर पे आरोप है कि पूरे व्यापार बस महज कुछ व्यापारियों को दिया जा रहा है। पूरे व्यापार पे एक अधिकार हो रहा है, मोनोपोली हो रहा है, जिसको आप देख सकती हैं मैं तस्वीरों में कि ठीक सामने कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के जिलाध्यक्ष यहाँ हैं, वो अगर बात करें तो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में दफ्ती है और दफ्ती पर लिखा है कि गौतम अडानी का धन, देश का धन लूटना बंद करो। इनका साफ तौर पे आरोप है कि जो गौतम अडानी हैं उनका आरोप लगा रहे हैं कि जो देश का धन है वो गौतम अडानी एक तरफा लूट रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ये प्रदर्शन राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध बेगम हजरत महल पार्क से शुरू हुआ है और ये LIC बिल्डिंग तक जाएगा। साफ तौर से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका यही इस प्रदर्शन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि देश के अंदर में मोनोपोली ना पैदा हो, यानी कि जो मार्केट में एकाधिकार है वो ना पैदा हो। साथ ही हर एक जो सरकारी संपत्ति है जिस पर हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अडानी को डायरेक्ट शेयर्स दिए जा रहे हैं। हाल में अगर देखें तो SBI और साथ ही साथ LIC की जो संपत्तियां हैं उसके अंदर में कहीं ना कहीं जो हिस्सेदारी है वो अडानी को दी गई, अडानी को उसके शेयर्स कुछ दिए गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी आज देश भर में उग्र है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह जी हैं, आज के प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दीजिए। अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगे हैं, सरकार जांच से क्यों भाग रही है? तो ये डूरा कुश्ती सरकार और अडानी के ग्रुप पे हो रही है। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, मगर सरकार जांच से भाग रही है, चर्चा से भाग रही है। आखिर देश के प्रधानमंत्री बताएं कि अच्छे दिन कब आएंगे और अडानी के खिलाफ जांच कब होगी? हाल में ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें अडानी के शेयर में लगातार उछाल की बात कही गई है। आज दिल्ली में ही प्रदर्शन हो रहा है, राजधानी लखनऊ में भव्य प्रदर्शन हो रहा है। अगर बात की जाए तो ऐसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। शिवपांडे जी के बहुत सारे कार्यकर्ता है, आप देखिए लगातार काम हो रहा है। बात की जाए तो इसमें तमाम पक्ष के नेता कह रहे हैं कि अडानी की छवि खराब की जा रही है। नहीं, छवि नहीं खराब करी, अगर दामन में दाग लगे तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जांच कराए। आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? अगर आज प्रदर्शन कर रहे हैं बेगम हजरत महल पार्क से LIC तक जाएंगे, आगे का क्या मंशा होगा? लगातार जब तक इस सरकार का पर्दाफाश नहीं हो जाएगा, चाहे इनको अपने मंत्रियों को बचाने का काम हो, चाहे किसी व्यापारी को बचाने का काम हो, आप देख रहे हैं कि जब से 2014 से सरकार आई है देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। आम जनता परेशान है, बोल नहीं पा रही है। धर्म गाय गंगा गोबर गौमूत्र गायत्री हमारा धर्म का विषय हो सकता है, राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। उस पर ये जनता को गुमराह करके और जिस तरीके से
जनता का पैसा SBI LIC में लगा और उसको डुबोने और पीने का काम अगर अडानी करना चाहता है तो कभी भी कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी। जनता, आम जनता के रिलीफ के लिए हम लगातार संघर्ष। आपके नेता राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि हर जगह, चाहे बात की जाए माइनिंग हो, चाहे कोल माइनिंग हो, चाहे गैस सप्लाई हो, चाहे स्टोरेज हो, उस पर अडानी का एकाधिकार हो रहा है। इस बयान पे आप क्या कहेंगे? लगातार अडानी का एकाधिकार हो रहा है। पहले हमें गर्व होता था कि भारतीय रेल लिखा रहता था, आज वहाँ पे अडानी रेल लिखा रहता है। एक आम भारतीय को सोचना चाहिए, जो पहले एक आम भारतीय भारतीय रेल पढ़ के खुशी जाहिर करता था, आज वो अडानी रेल है। चाहे हमारे कोई भी फैक्ट्रीज हो, कुछ भी हो, हर जगह अडानी का कब्जा हो रहा है। क्या चाहती है ये सरकार? आम जनता को कुचल के खत्म कर देना चाहती है या इसको अफगानिस्तान बनाना चाहती है? क्या चाहती है ये सरकार? सरकार को एक व्यापारी की जांच कराने में क्या कष्ट हो रहा है? अगर देखा जाए तो आप लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं, मानेंगे कि एक मोनोपोली क्रिएट की जा रही है एक अधिकार? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर सरकार को जांच करानी चाहिए। सारा विपक्ष पार्लियामेंट पर चर्चा करना चाहता है, सारा विपक्ष बात करना चाहता है, मगर सरकार कहीं ना कहीं भाग रही है। और यही कारण कि आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, मगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी ना कि काला धन लाऊंगा, अच्छे दिन आएंगे, है बेरोजगारी, नोटबंदी, ये सारे भ्रष्टाचार है। अडानी के रूप में एक नया भ्रष्टाचार आया है। हमारी मांग है कि सरकार जांच करा ले। इतनी सी बात है तो सरकार जांच क्यों नहीं करा रही है? यही कारण है कि सरकार कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है, इसलिए सरकार जांच से बाहर रही है। जी, तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार जांच करा ले और जांच के बाद ये साफ होगा कि क्या चीजें हैं। उनका आरोप है बड़ा, और कहीं ना कहीं देखा जाता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में दफ्ती लिए हुए हैं। अब दफ्तियों पर अपने सहयोगी से कहूंगा कि इनके हाथों में जो दफ्ती है उसको आप दिखाएं। अधिकांश जो कार्यकर्ता है उनके हाथों में दफ्ती है और उस पर साफ तौर से अडानी यानी कि देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति को निशाना बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो ये जो इनका मार्च था, ये बेगम हजरत महल से होकर और LIC बिल्डिंग तक जाना था, मगर प्रशासन के लोग परिवर्तन पर रोके हुए हैं। आप देख सकते हैं मौके पर भारी फोर्स भी लगाई गई है और पूरी तरह से सड़क को बैरिकेटिंग करके वन वे बनाया गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी हम संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय प्रांतीय अध्यक्ष ब्रजलाल प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे भी मौके पर मौजूद है। इन लोगों की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन से साफ ये संदेश देना चाहते हैं कि जो देश के अंदर में इनका आरोप है कि एक अधिकार हो रहा है और जो LIC है, साथ ही साथ जो अगर देखें तो देश के अंदर में तमाम जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उसमें लगातार जो शेयर है वो एक ही व्यक्ति को जा रहा है, इनका आरोप है। देखने वाली बात ये होगी कि इनका आरोप है और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जांच हो तो साफ होगा। जी नंदनी, भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, नारे लगा रहे हैं। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल मयूरी, आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं कि ठीक सामने कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी हैं और हम उनसे भी संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, आज के अध्यक्ष जी, अरे तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ठीक सामने यहाँ अपने ज्ञापन पत्र को प्रशासन के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनको दे रहे हैं और इस माध्यम से कहीं ना कहीं अपने ज्ञापन के माध्यम से जो इनके मांग है उनको ऊपर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख रही होंगे कि ब्रजलाल खाबरी समेत जो प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे, उनके हाथों में ज्ञापन पत्र है और वो कांग्रेस पुलिस के DCP रैंक के अधिकारी सुमिन वर्मा को अपना ज्ञापन दे रहे हैं। नकुल दुबे से हम एक बार संवाद साधने का प्रयास करेंगे और वही आपको बताएं कि ये प्रदर्शन देश के साथ साथ आज पूरे देश में चल रहा है, अलग अलग प्रदेशों में चल रहा है। नकुल जी, अरे नकुल जी, आश्वासन दिया है कि राष्ट्रपति को भेजेंगे और जो जो दोषी है गांधीवादी तरीके से हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। भैया आपने हमको रोका, हमने विरोध दर्ज किया। आप है कि स्टेट बैंक पे और LIC में जो डकैती बनी हुई है, इस डकैती को राष्ट्रपति महोदय हस्तक्षेप करके जांच कराए और राजेश श्रीवास्तव जी ने ज्ञापन लेते हुए हम लोग को आश्वासन दिया है, इस ज्ञापन को मैं राष्ट्रपति के हाथ भिजवाऊंगा और जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सब लोग मिलकर के कार्य करेंगे, कार्रवाई कराएंगे, उस पर पुलिस प्रशासन भी कांग्रेस पार्टी का सहयोग देगा। ले जाओ, ले जाओ वकील को। हाँ आंदोलन चलेगा भी।
आंदोलन, हम नोटबंदी की तरह चुप नहीं बैठेंगे। नोटबंदी में लोग बर्बाद हुए, अब नोटबंदी के बाद इस वर्तमान तरीके से जो LIC और स्टेट बैंक को बर्बाद करने को लिया, सबका जितने लोग खड़े बैठे हो सबका अकाउंट है, सबका पैसा है, अगर बर्बाद हो गया तो हम सब बर्बाद होंगे। हम आपको ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे, हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, हमको कोई भी कीमत चुकानी होगी हम कीमत चुकाएंगे। अगर आप हमारे पर बल प्रयोग करना चाहेंगे तो बल प्रयोग करें, हम मार खा खा के भी आपके पैसों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देने को तैयार है। भारत माता की जय। आप आश्वासन दे, आप तौर से नंदिनी आप नकुल दुबे को सुन रही थी जो कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, साथ ही उनका साफ तौर पे कहना है कि हम इस प्रदर्शन को अभी आगे करेंगे और आगे की जो हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें बताएगा उसके मुताबिक हम आगे भी काम करेंगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से हम संवाद साधने का प्रयास करेंगे और आपको बताएं कि यहाँ आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि बिजलाल खाबी समेत तमाम नेता मौजूद है। नकुल जी, आज के प्रदर्शन ये तो साफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे हम प्रयास करेंगे। आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? आपका सबका आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम यहीं पर अब समापन किया जाता है। आप लोग शांत मूड तरीके से अपने घर पे जाएं। आज ज्ञापन के माध्यम से आप क्या संदेश दिए? आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश के सभी जनपदों में LIC और SBI में जो गरीबों का कमजोरों का धन सुरक्षित रखा गया था, कांग्रेस पार्टी ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें कमजोरों का गरीबों का आवश्यकता पड़ने पे वो धन मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने उद्योग चंद उद्योगपतियों के इशारे पर उनको लाभ पहुंचाने के लिए LIC और SBI बैंकों में उनके जो निवेश कराए थे उनको निवेश दिए थे, उससे जो आर्थिक मंदी आई है और गरीबों का पैसा असुरक्षित है, हमारी मांग है। नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो स्रोत है यानी कि गैस है, माइनिंग है, रेल है, एयरपोर्ट है, इस पर एकाधिकार हो रहा है। एकाधिकार राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा कि उद्योगपतियों को मदद करें, किसानों को, नौजवानों को। आज भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के शासन काल में सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी है, नौजवान परेशान है, उसको रोजगार नहीं है, उसको नौकरियां नहीं है, किसान भूखों मर रहा है, अन्नदाता जो हमारा देश का अन्नदाता वो भूखों मर रहा है। आज किसानों की आय दूना होने की बात कही थी। आज अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए तो आप भारत जोड़ो यात्रा सफल रहा, उसके ठीक बाद आपका हर एक प्रदेश के अंदर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रहा है, कैसा चल रहा है यात्रा और कितना लोगों तक पहुंच रहा है? हाथ जो हाथ से हाथ जोड़ो हमारी हर गांव पंचायत पर, पोलिंग स्तर के बूथ स्तर पर हम सभी लोग 2 महीने का कार्यक्रम बनाए हैं और 2 महीने में लखनऊ जनपद में सभी बूथ स्तर पर हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं। और यही नहीं, चाहे भारत यात्रा हो, चाहे किसानों की बात हो, जनता की आवाज को लेकर के सपा भाजपा और बसपा घरों में बैठी है, लेकिन कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की आवाज को लेकर के प्रदर्शन करती रही है। निश्चित जनता देख रही है 24 में इसका फल भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। तो हमारे साथ कांग्रेस के लखनऊ के जिलाध्यक्ष, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मुद्दों पे बात कर रहे हैं और इसका फल हमें 24 में मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किस पे अपना विश्वास जताती है। हम कुछ और पदाधिकारियों से संवाद साधने का प्रयास करेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे के पास एक बार फिर इनको छठी का दूध याद दिलाने काम करेंगे। नकुल दुबे संघर्ष करो। नकुल जी, आपके नेता लगातार तो आप साफ बता दें, प्रदेश अध्यक्ष खाबरी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, बिजलाल खाबरी भी मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारे संवाददाता विवांशु लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, मौके पर हमारे संवाददाता विवांशु मौजूद हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
सरकार की नीतियों के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। बता दें राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की पैदल यात्रा निकल रही है और ये यात्रा LIC ऑफिस तक निकाली जा रही है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में यात्रा की जा रही है, LIC ऑफिस तक मार्च करेंगे। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बता दें ये प्रदर्शन सरकार की नीतियों के विरोध में किया जा रहा है। केंद्र की सरकार आम लोगों के पैसे का उपयोग अपने करीबी दोस्तों का समर्थन करे, जैसा कि हमने आपको बताया। और मौके पर हमारे संवाददाता विवांशु मौजूद हैं, जो लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक बार फिर से हम संवाददाता विवांशु का रुख करेंगे। विवांशु, आपको आवाज आ रही हमारी? हूं मयूरी, और आप अभी सुन रहे की कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिनका साफ तौर से कहना है कि हम कांग्रेस के नेता पदाधिकारियों कर रहे हैं अपने मामले को लेकर। हम अध्यक्ष आपको जरूर सूचित कराना चाहेंगे। ये पूरा आज का जो यात्रा था, ये मुद्दा था, और उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पे और कहा है कि सरकार के अंदर में एकाधिकार सरकार में पैदा हो रहा है, यानी कि मोनोपोली पैदा हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी इनके प्रदर्शन से कितना बदलाव आता है। जी विवांशु, आपकी आवाज कट रही है। बता दें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। विवांशु, आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। बता दें राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की पैदल यात्रा हो रही है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। मौजूद हैं विवांशु, जो लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें लखनऊ में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। एक बार फिर से अपने संवाददाता विवांशु का रुख करेंगे। विवांशु, आप मौके पर मौजूद हैं, एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। LIC ऑफिस तक पैदल यात्रा निकाली जा रही है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं,
LIC ऑफिस तक मार्च किया जाएगा। एक बार फिर से संवाददाता विवांशु का रुख करेंगे जो मौके पर मौजूद है। विवांशु, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। जी मयूरी, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी अपने ज्ञापन को पुलिस के आला अधिकारी को देकर अब वापस ये जो यात्रा था इसको खत्म कर चुके हैं। बात की जाए तो आप देख सकती है तस्वीरों में कि कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी यहाँ आए थे। हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे हैं। आज के प्रदर्शन को लेकर, आज की जो तमाम मांगों को लेकर आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, साफ बात है कि आज देश की जनता के साथ जो लूट मची हुई है, हम लोगों को बेवकूफ़ मान लिया गया है। हम लोगों को मान लिया गया कि कुछ भी करते रहो हम बर्दाश्त करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बर्दाश्त की अब एक सीमा होती है, वो सीमा समाप्त हो चुकी है। आज हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे दिया है और हम लोग ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे। अगर इसमें न्यायोचित कार्रवाई नहीं होती है, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज के माध्यम से जाँच नहीं होती है, तो हम लोग फिर इस पर एक्शन बढ़ा लेंगे और वो फिर लोग देखेंगे, सरकार देखेगी। हम ऐसी शांति से बैठ करके, आप जब चाहे तब हमसे दिया जलवा लो, जब चाहे तब थाली बजवा लो, जब चाहे तब हमको हमारा कुछ करा दो, कुछ करा दो, और हम करते रहो। तुम इस बीच में लंबा डाका मार जाओ। अब ये डाका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका हम जवाब देने काम करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है, तमाम नेता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक बार हम साधने का जरूर प्रयास करेंगे नंदनी, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अडानी का जो छवि उसको गिराया जा रहा है और उन्होंने देश में आर्थिक मदद दे रहा है। इस बयान पे आप क्या कहते हैं? तमाम नेता कह रहे हैं आर्थिक मदद तो हमारे देश की जनता ने दिया है। हमारी आर्थिक मदद हमारे देश की जनता ने दिया है और देश की जनता के धन की बदौलत ही अडानी जी यहाँ तक पहुँच गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा आपकी सफल रही, अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, कितना सार्थक हो रहा है? क्योंकि ये यात्रा देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में चल रहा है। हाँ, देखिए, ये यात्रा जो हमारी थी भारत जोड़ो यात्रा, टोटल नॉन पॉलिटिकल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, टोटल नॉन पॉलिटिकल है। हमारे नेतागण ने भी कहा है, उसका उद्देश्य ये था कि जो देश में नफरत, गंदगी, इस तरह का माहौल फैलाया गया है, उस माहौल पर रोक लगनी चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो हमारा पॉलिटिकल है। फेज टू कब तक शुरू होगा? फेज टू चल रहा है। राहुल गांधी, वो तो निर्णय राहुल गांधी लेंगे, हम लोग चल रहे हैं, चलेगा। हाँ बिल्कुल सही। हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो तमाम देश के अंदर में चल रहा है, एकाधिकार हो रहा है, उसके खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे, लगातार प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन को यहाँ अगर बात की जाए मयूरी, तो आप देख सकती है तस्वीरों में कि यहाँ प्रदर्शन खत्म हो रहा है और यहाँ पे समापन किया जा रहा है। तमाम जिम्मेदारों को अब ज्ञापन देकर कांग्रेस के प्रत्याशी, जो तमाम नेता है, पदाधिकारी है, वो वापस पार्टी कार्यालय पहुँच रहे हैं। जी, प्रदर्शन कर रही है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये प्रदर्शन क्या रंग दिखाता है। धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।